सरहद पाकिस्तान की एक और नापाक करतूत आई सामने। शुक्रवार रात कुपवाड़ा के माचल में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना का जवान शहीद। भागने से पहले आतंकियों ने शहीद जवान के शव के साथ की बर्बरता। सेना की उत्तरी कमान ने की घटना की निंदा, कहा देंगे माकूल जवाब। एनकाउंटर के वक्त आतंकियों को बचाने के लिए पाक रेंजर्स लगातार कर रहे थे कवर फायरिंग का फायदा उठा भागे आतंकी। हिमाचल सेक्टर में हुई घटना की जानकारी सेना ने पीएम, रक्षा मंत्री और एनएसए को दी। विदेश सचिव ने पाक उच्चायुक्त को आज किया समन। नियंत्रण रेखा के पास हुई मुठभेड़ में सेना ने एक आतंकवादी को भी किया ढेर। पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन का बीएसएफ ने दिया मुंह तोड़ जवाब। 15 पाक रेंजर्स ढेर। पाकिस्तानी सीमा में देखी गई एम्बुलेंस की हलचल। भारत के जवाबी कार्रवाई के बाद सामने आई पाकिस्तान में तबाही की तस्वीर। बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स की तमाम चौकियां तबाह की। पाकिस्तान के सियालकोट शकरगढ़ इलाके में हुआ भारी नुकसान। पाकिस्तान के कई गांवों के 20 से ज्यादा नागरिक जख्मी। आरएसपुरा में बीती रात भी पाकिस्तान की तरफ से की गई भारी फायरिंग। बीएसएफ ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तानी गोलीबारी में मेंढर सेक्टर में एक भारतीय महिला की मौत, एक लड़की गंभीर रूप से हुई घायल। भारत पाक बॉर्डर पर तनाव के बीच पीएम मोदी आज उत्तराखंड में आईटीबीपी जवानों के साथ मनाएंगे दिवाली। चमोली में भारत चीन बॉर्डर पर माना गांव जाएंगे जवानों के साथ पीएम करेंगे चाय नाश्ता, देंगे उन्हें दिवाली की शुभकामना। माना से पहले पीएम मोदी बद्रीनाथ मंदिर में करेंगे पूजा। एनएसए अजीत डोभाल भी होंगे साथ। माणा गांव में पीएम मोदी के दौरे को लेकर इलाके के लोगों में उत्साह। लोगों ने जवानों के साथ दिवाली को बताया अच्छा कदम। मोदी सरकार के कई मंत्री भी सरहद पर जवानों के साथ या उनके घर मनाएंगे दिवाली। किरण रिजिजू मणिपुर में असम राइफल्स के जवानों के साथ होंगे। पीएम मोदी के संदेश टू सोल्जर्स अभियान का दिखा शानदार असर। अब तक करीब 10 लाख लोग अभियान से जुड़े। पीएम की इस मुहिम को कई सेलिब्रिटीज का भी मिला समर्थन। अक्षय कुमार, सलमान खान, साक्षी मलिक, विराट कोहली ने सेना को दी दिवाली की बधाई। जम्मू कश्मीर के तंगधार में शहीद संदीप सिंह रावत का आज देहरादून में किया जाएगा अंतिम संस्कार। देहरादून में शहीद के घर पसरा मातम। आरएसपुरा सेक्टर में शहीद जितेंद्र सिंह का बिहार के रक्सौल में आज किया जाएगा अंतिम संस्कार। वीर सपूत को विदाई देने के लिए की गई घाट की सफाई। पाक की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन जारी। सांबा सेक्टर में ग्रामीणों को सुरक्षित जगह भेजा गया। जैश ए मोहम्मद आतंकी खालिद के दो सहयोगी शाहिद और फयाज गिरफ्तार। बारामूला से हुई गिरफ्तारी। कुलगाम से हिजबुल आतंकी गिरफ्तार। आतंकी का नाम मंजूर अहमद खान, श्रीनगर के बटमालू का रहने वाला। मुंबई हमले जैसा हमला करने के लिए जानकारी जुटा रहा था पाक जासूस महमूद अख्तर। गृह मंत्रालय के मुताबिक सरक्रीक कच्छ इलाकों में सेना की तैनाती पर थी नजर। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की वजह से छोड़े जाने से पहले अख्तर ने कबूला पाक जासूसी नेटवर्क का हिस्सा होने के बाद पुलिस ने कराए बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चौथे शख्स शोएब को भी जोधपुर से किया गिरफ्तार। 3 से 4 साल से पाकिस्तानी हाई कमीशन के संपर्क में था। अखिलेश यादव की 3 नवंबर से प्रस्तावित रथ यात्रा से पहले लखनऊ को पोस्टर्स से पटा गया। पोस्टर्स में शिवपाल का नाम नहीं। सीएम नीतीश कुमार ने पटना में किया ऊर्जा पार्क का उद्घाटन, कहा 2017 के अंत तक बिहार के हर गांव में होगी बिजली। वैशाली में बीजेपी के शिविर में खाली कुर्सी देखकर भड़के सुशील मोदी, मंच से ही स्थानीय नेताओं को लगाई फटकार। सिक्किम के बाद हिमाचल बना देश का दूसरा पूर्णतया खुला शौच मुक्त गांव, सीएम वीरभद्र सिंह ने किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के हालात का जायजा ले दिल्ली लौटे पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, कहा राजनाथ से बातचीत की करूंगा कोशिश। चिराग दिल्ली के इलाके में एक शख्स ने लोहे का रॉड मारकर अपने सास ससुर का किया कत्ल। 2 बच्चों सहित 3 अन्य जख्मी, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के वसंत कुंड इलाके में हाई प्रोफाइल कसीनो रैकेट का पर्दाफाश, 4 लड़कियों समेत 8 लोग गिरफ्तार। वसंत कुंज के पार्क लेन इलाके के एक फार्म हाउस में चल रहा था कसीनो, नकदी, गैम्बलिंग टोकन और शराब की बोतलें भी जब्त। बारे दिल्ली के पुट कुद
गांव में कच्चा बनियान पहने चोर ने साथियों के साथ घर से उड़ाई लाखों की ज्वेलरी और कैश। सीसीटीवी में कैद भी तस्वीर। बीमा कंपनी इसके नाम पर कॉल सेंटर के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, दो आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में एक शख्स को डीआईजी ऑफिस के पास बदमाशों ने मारी गोली, फिर चाकुओं से गोदा, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। अमरोहा में अच्छा खाना ना बनाने पर गुस्से में एक शख्स ने बीवी को दिया तलाक, बाद में पछतावे में मांगी माफी लेकिन विद्वानों ने दी अलग रहने की सलाह। मुजफ्फरनगर में अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई पर कुछ लोगों ने किया हमला, पुलिस को दी तीन लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर। ग्रेटर नोएडा के अल्फा वन सेक्टर में पीसीआर की जीप ने एक कार को मारी टक्कर, हादसे में कोई हताहत नहीं। कुरुक्षेत्र में पुलिस ने लिंग जांच कराने वाले रैकेट का किया पर्दाफाश, मामले में सात लोग गिरफ्तार, सहारनपुर में करवाते थे परीक्षण।